नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, ये एक एक्वा गार्ड है। आज हम आरओ पे वीडियो नहीं बना रहे, ये एक एक्वा गार्ड है, यूवी वाटर प्योरीफायर आई नोवा ई बोलिंग, और आज हमें इसी को रिपेयर करना है। और रिपेयर तो खैर क्या करना है, इसमें यूज़ करते करते कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या प्रॉब्लम आती है हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। पहले हम इसका ये प्लग लगा लेते हैं। अब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है, जैसे हम इसका स्विच ऑन करेंगे, देखिए राइट साइड में इसका ये ऑन ऑफ बटन है, और ये रेड लाइट आएगी, फिर येलो आती है और फिर ग्रीन आती है। ये येलो आ गई, इसके बाद ग्रीन लाइट आनी चाहिए तभी पानी हमें मिलता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये रेड लाइट से येलो लाइट पे आती है और येलो से फिर वापस जो है बैक रेड पे चली जाती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पुश करके इसका ऊपर का ये लिड ढक्कन खोल लेना है, और इस टाइप से हमारे इसमें फिल्टर हैं, सेडिमेंट फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है और यूवी फिल्टर है। यूवी हमें दिख रही है कि यूवी इसकी ऑपरेट हो रही है, लेकिन यूवी इसकी जलने के बावजूद ही, मतलब यूवी काम करी उसके बावजूद भी हमारी जो ये लाइट जो है ग्रीन पर कन्वर्ट नहीं हो रही, तो उसका क्या कारण रहता है। तो अभी से हमने इसे घुमा लिया, तो देखिए अगर हम इसे घुमाते हो तो इसके बैक साइड में आपको ये कवर दिख रहा है। पहले हमें ये कवर निकालना होगा, इसमें दो स्क्रू रहते हैं, एक ये स्क्रू है, इसे खोल लेंगे और एक इसे खोल लेंगे। इसे खोलने के बाद ये एरो की डायरेक्शन में हमें इसे स्लाइड करना है, देन ये हमारा कवर बाहर आएगा। अगर आप भी अगर ऐसा कोई आरो सॉरी एक्वा गार्ड रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस स्टेप से कर सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में बने जरूर रहिएगा, ये ऐसे स्टेप से सर्किट दिखेगा आपको। तो पहले तो हम इसमें क्या है, सर्किट में सेटिंग करके रीसेटिंग करने की हम कोशिश करेंगे। अगर रीसेटिंग करने से ये देखिए यहाँ पर जम्फर डायोड वगैरह ये पिने वगैरह रहती हैं, चार पाँच इसके पोर्ट बने रहते हैं, तो ये राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ऊपर कोने पे सर्किट के, आपको ये इस टाइप से एक जम्फर डायोड दिखेगी, इसे हमें निकाल लेना है। ये इस टाइप से ये एक, और वन बाय वन ये जो पांच सेट दिख रहे हैं हमें, दो दो पिनों के पांच छह सेट जो दिख रहे हैं, इनमें हमें लगा के और फिर हमें अपना एक्वा गार्ड ऑन करना है। जिस भी दो पिनों में लगाने से हमारा एक्वा गार्ड प्रॉपर ऑन हो जाता है, रेड येलो और ग्रीन लाइट आ जाती है, येलो से रेड पे वापस नहीं जाती, वहीं हमारी सेटिंग हो जाएगी और हमें फिर वापस अपना इसको उठा के वहाँ लगा देना होता है। तो वन बाई वन हमें ये पांच जो सेट हैं, पांच छह सेट जो हैं, इन सब में हमें लगा के देखना है। जिसमें भी सेटिंग हो जाए उसमें आप मान सकते हैं कि जी सेटिंग हो गई। कई बार हमें एक्वा गार्ड भी रिपेयर करना पड़ता है, या इस टाइप को कोई मॉडल अगर आपको रिपेयर करना पड़े तो आप इस टाइप से ट्राई कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने जम्फर डायोड की हमने रीसेटिंग करनी है तो रीसेटिंग हो ही जाएगी, सर्किट में और भी बहुत सी दिक्कत रहती हैं। अब हमें क्या करना है कि सेटिंग हमने करके देख लिए, चार पांच जो इसके पिनों के सेटिंग सब पे हमने वन बाई वन करके लगाया है लेकिन नहीं हो रही। अब हमें एक्वा गार्ड का फ्रंट पैनल खोलना होगा। ये देखिए हमने फ्रंट पैनल खोल लिया है। फ्रंट पैनल खोलने के बाद आपको ये लेफ्ट साइड में आपको यूवी चैम्बर एक दिख रहा है, तो यूवी चैम्बर में ये देखिए ये इस टाइप से एक नट लगा हुआ है जिसमें कि लेंस है, और ये हमारा फोटो रेजिस्टेंस है। इस पे इसका काम एक्चुअली ये रहता है, ये हमारी यूवी रेज को सेंस करता है। अगर हमारी यूवी रेज इस लेंस पे पड़ती रहेंगी तो ये येलो से ग्रीन पे कन्वर्ट कर देगा, और अगर नहीं कोई ना कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है तो ये कन्वर्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें ये नट खोल के इसे अच्छे से साफ कर लेना, कई बार इसमें वाइट कलर की लेयर जम जाती है, नमक पानी चलने के कारण नमक इसमें जम जाता है, तो इसे साफ करके हमें दोबारा इसे लगा देना है। और अब हमें कंफर्म करना होगा। अब मैं आपको थोड़ा आगे दिखाता हूँ, ये देखिए इस नट को हटा के मैं डायरेक्ट इस लेंस पे यूवी की रेज डाल के आपको दिखाता हूँ कि हाँ भी हमारी येलो से रेड पे कन्वर्ट वापस आ रही है या ग्रीन तक हमारी पहुंच गई है। तो
ये देखिए मैंने नट अभी नहीं लगाई है, डायरेक्ट मैंने यूवी सिलेंडर में इस फोटो रेजिस्टेंस को लगा दिया। और अब मैं एक्वागार्ड को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद हमारा यूवी अगर ऑपरेट कर रहा है और हमारा ये सेंसर जो तो अब ये देखिए दोबारा ये वापस येलो पे आके ये वापस रेड पे ब्लिंक कर रहा है। आप जैसा मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना आपको, ये जो हमारा यहाँ जो है ये यूवी रेज है, यहाँ पे फोटो रेजिस्टेंस रहता है। और फोटो रेजिस्टेंस हमारा जो ये रहता है, हमने इसमें ये ऐसे लगा रहता है और ये नट जो रहता है मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ टाइट रहता है। हमें इस नट को खोलने नट को खोलने पर कई बार क्या रहता है कि हमारे इसमें नमक, ये देख रहे हैं ना, इसके आगे नमक आ जाता है, तो इसे अच्छे से हमें साफ़ कर लेना है। साफ़ करके फिर हमारा कई बार इसमें भी दिक्कत आती है, इसे भी अच्छे से साफ़ कर लेना है इसका लेंस जो है। और उसके बाद हमें डायरेक्ट जो है इसे ऐसे लगा के चेक करना है। अब देखिए मैंने इसे डायरेक्ट लगाया, नट के थ्रू लगाया, तो अब ये जो है हमारी लाइट जो है ये सेंस कर रहा है। बेसिकली ये यूवी लाइट को सेंस करता है। अगर यूवी लाइट हमारे इस फोटो रेजिस्टेंस पे सही से पड़ेंगी तभी ये येलो लाइट से ग्रीन पे कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये अच्छे से हमें एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेना। अगर यूवी जल रही है और फिर भी यूवी जलने के बाद येलो लाइट आ रही है और येलो से फिर वापस जा रही है, तो आपको ये अच्छे से साफ करके फिर दोबारा वापस लगा देना है। और कई बार ये रहता है, देखिए अब जैसे ये ग्रीन लाइट आ गई, ग्रीन लाइट के बाद अब हम इसे पानी ऑन, पानी का ये ऑन करेंगे, ये हमने ऑन किया, ये म्यूजिक हमारा ऑन गया, मतलब अब यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा ये टैप है जो यहाँ लगेगा, तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया। कई बार ये रहता है कि हमारे पास ये फोटो रेजिस्टेंस जो है काम नहीं करता सही से, या हमारे पास ये चीज़ नहीं रहती, तो एक जुगाड़ू काम भी होता है। जुगाड़ू काम ये रहता है कि आपको क्या, इसको मैं पहले हटा लेता हूँ। जुगाड़ू काम आपको क्या करना है, ये जो वायर है इस वायर को आप काट लीजिए। इन वायर को काटने के बाद यहाँ पर एक 1K की आप अंडरलाइन कर लीजिए लाइन को, 1K की रेजिस्टेंस लगा के भी आप जुगाड़ू फॉर द टाइम बिंग काम चला सकते हैं, डायरेक्ट ये हो जाएगा। अगर ये काम नहीं करता है तो आपको नया लगाना होता है, और अगर नया नहीं मिल रहा है और हमें काम चलाना है तो यहाँ पर इसे काट के इसके जगह पे एक 1K की रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस लगाने से ये है कि हमारा ये सिस्टम डायरेक्ट हो जाएगा। बस अगर आपकी यूवी काम कर रही है तो इसे आप चला सकते हो टेम्परेली, क्योंकि अब ये ओल्ड मॉडल हो गया, कई बार इसके ये रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मिलती है, दिक्कत आती है, तो आप इस टाइप से भी इसको चला सकते हो। और अगर यहाँ इसे काट के इस फोटो रेजिस्टेंस को हटा देंगे, 1K की रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो ये आपका फर्स्ट क्लास काम करता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से इलेक्ट्रिकल्स जो सामान वगैरह हमारा मिलता है वहाँ से आपको ये लेके आना है, एक 1K की रेजिस्टेंस, स्पेशली 1K आपको बोलना है, 1K की रेजिस्टेंस ही यहाँ लगानी है, उसके बाद ये आपको फर्स्ट क्लास कर लेगा। तो इसे मैं एक बार पहले पैक करता हूँ और फिर आपसे आगे बात करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ मैंने आपको फोटो रेजिस्टेंस हमारी जो रहती है जो सेंस करता है यूवी रेज को, उसको हटा के भी, उसके कनेक्शन हटा के भी आपको मैं करके दिखा रहा हूँ किस टाइप से ये जो ब्लिंक कर रही थी हमारी येलो लाइट से वापस रेड पे आ रही थी। अब मैंने क्या कि ये आप देख सकते हैं ये हमारे कनेक्शन जो जाते हैं हमारे, ये मैंने वायर काट दी है, ये एक वायर हमारी जो है इसके साथ कनेक्ट होती है। अब मैंने ये फोटो रेजिस्टेंस की जो हमारी वायर अंदर जा रही है इस यूनिट के अंदर, इसको यहीं से सर्किट से ही काट दिया, तो इसके सिरे पे आप ये देख सकते हैं सर्किट से मैंने 1K की रेजिस्टेंस लगाई है। 1K की रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ से स्विच ऑन है, स्विच ऑन के बाद आप ये देख सकते हैं हमारी जो है ग्रीन लाइट अब आ गई है। ग्रीन लाइट आने के बाद आप इस टैप से म्यूजिक हमारा स्टार्ट हो गया है, तो इस टाइप से भी आप जुगाड़ू काम कर सकते हैं। लेकिन फोटो रेजिस्टेंस आपको मिल जाए और वो लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन एमरजेंसी में कभी आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर इसे चलाना है तो आप इस टाइप से डायरेक्ट करके अपने यूनिट को चला सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी, टेक्निकल से रिलेटेड और डोमेस्टिक आरओ की सभी टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।